पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आदिवासी समुदाय को उतना सम्मान किया है जितना किसी अन्य सरकार ने नहीं किया। आदिवासी गौरव दिवस घोषित कर से लेकर राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाने का काम इसी सरकार ने किया है। भाजपा के अनुसूचित जनजातीय आघाड़ी के राष्ट्रीय महासचिव और गढ़चिरौली चिमूर के पूर्व सांसद अशोक नेते ने विश्वास व्यक्त किया कि आदिवासी समुदाय हमेशा भाजपा के साथ रहेगा। शुक्रवार को वसंतराव देशपांडे सभागृह में नागपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति आघाड़ी के प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की विधायक व संभागीय सभा का मार्गदर्शन कर रहे थे। इस सभा की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने की। भाजपा के राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री शिव प्रकाश, राज्य के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित, संसदीय एससी एसटी समिति के अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते, अनुसूचित जनजाति आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम इंगले, पूर्व आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके, प्रदेश संपर्क प्रमुख किशोर कालकर, यातमाल के संदीप धुर्वे, प्रदेश सचिव नितिन मड़ावे, महासचिव सुदर्शन शिंदे समेत कई नेता मौजूद थे। बड़े उत्साह और भारी उपस्थिति के साथ आयोजित इस सभा में विधायक की आदिवासी संस्कृति का समागम देखने को मिला। गढ़चिरौली सहित विभिन्न जिलों के आदिवासी टीमों ने पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर श्रोताओं का मार्गदर्शन करते हुए अशोक नेते ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। देश का हर नागरिक, चाहे वह दलित हो या पीड़ित हो या वंचित हो, आदिवासी हो या अल्पसंख्यक हो, सभी को विकास की धारा में लाने का सपना देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कदम उठाया है। आदिवासी समुदाय के लिए कई योजनाएं लागू की गई है। उनके कार्यकाल के दौरान आदिवासी मंत्रालय, आदिवासी आयोग की स्थापना की गई थी। इस सभा का संचालन भाजपा के गढ़चिरौली जिला महासचिव और अनुसूचित जमाति मोर्चा के सचिव प्रकाश गिराम ने किया और धन्यवाद ज्ञापन पूर्व महापौर मायावती युवनाथ ने किया। इस सभा में पूर्व विधायक संजय पुरम, पूर्व विधायक डॉक्टर नामदेव हुसैनडी, नागपुर शहर उपाध्यक्ष विवेक नागभीरे, अरविंद गिराम, प्रशांत कुमरे के साथ सभी आदिवासी भाई बहन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पारतंत्र्यामध्ये असताना आपण जेव्हा स्वतंत्र मिळण्यासाठी अनेक महापुरुषांनी आपले बलिदान दिलं, रक्त चालवलं, त्यामध्ये आपले आदिवासी समाजाचे सुद्धा गोरपुरुष होते, महापुरुष होते, आणि अशा देशातील जवळ 75 महापुरुषांचे नाव काढलं आणि त्यांचं आता स्मारक बनवण्याचं काम आपलं सरकार करत आहे। असे एक ना अनेक मुद्दे मला सांगते। आदिवासी बोल क्षेत्रात त्या ठिकाणी पैसा लागलेला आहे, पैसा कायदा लागलेला आहे आणि पैशाच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतला 5% निधी दिला जातो, विकासासाठी निधी दिला जातो। आणि म्हणून जर यांचं सरकार आलं, मोदी साहेबांचं सरकार आलं, तर पैसा बदलल्या जातो, पैसा कायदा बदलेला आहे, पैसा बदलू शकत नाही। 10 वर्ष राज्य केलं। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोडके साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर।